सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमर्स क्लासेस। तो पिला माने आज वीडियो रे आमे समस्ते आलोचना करिबा अष्टम श्रेणी ज्यामिति बहीर द्वितीय अध्याय त्रिभुज। ठीक अछि, तो आरंभ करिबा द्वितीय अध्याय टी। तो वर्तमान आमे जानिबा त्रिभुज कौन, त्रिभुजर शीर्ष बिंदु विषय जानिबा, त्रिभुजर बाहु मानक विषय जानिबा एवं त्रिभुजर कोण मानक विषय जानिबा। तो ये देला एक सरल रेखार अवस्थान करूनथिबा तीनोटी बिंदु द्वारा कोण गठन होबा कथा पूर्वरु आलोचना करा जायछि। वर्तमान एक सरल रेखार अवस्थित नथिबा तीनोटी बिंदु द्वारा गठित अन्य एक प्रकार चित्र सम्बन्धरे आलोचना करिबा। तो आमे आ पूर्वरु पढ़ी जे एक सरल रेखार अवस्थान न करुथिबा तीनोटी बिंदु, तो वर्तमान एटा गोटे बिंदु, एटा गोटे बिंदु, दुईटा बिंदु गोटे सरल रेखार रहउछन्ति, किंतु तृतीय बिंदुटी गोटे सरल रेखार न रहिकी टिके दूर रहिला, तांकु जदि आमे जोडिबा तो कोण हबो, गोटे कोण गठित होला, बुझि बुझिला नै। तो ठीक से हीपरि भाव वर्तमान आम एक सरल रेखार अवस्थित नथिबा तीनोटी बिंदु द्वारा अन्य एक प्रकार चित्र विषय आलोचना करिबा। तो अन्य एक प्रकार चित्र कौन हम, धर तीनोटी बिंदु आम नबा गोटे सरल रेखा न रहीकि वर्तमान मन कर एटा एठी रहिला, तो आकु जदि संपूर्ण भाव सबको जोड़ा जहाँ गठित हम ता ना कौन त्रिभुज, कौन ता ना त्रिभुज। तो ए बी ओ सी तीनोटी बिंदु एक सरल रेखार अवस्था तो नहले आम बर्तमान ये जो तीन टा बिंदु नहीं कौन कौन, ए गोटे बिंदु, बी गोटे बिंदु एवं सी गोटे बिंदु, एम भितर देख लेकोसी तीन टाक गोटे सरल रेखा रोच दीटा बिंदु ही हाएस्ट सरल रेखा रोच अवस्थान न कले ए ओ बी बिंदु द्वय को जोग कले ए बी रेखाखंड अंकन कर, ए बी को जोग कले जोटा अंकन हम से कौन ए बी रेखाखंड, बी सी को जोग कले जोटा अंकन हम बी सी रेखाखंड, ए सी को जोग कले ए सी रेखाखंड बा सी ए रेखाखंड आम पाइबा। यही तीन रेखाखंड द्वारा गठित चित्रटी होउची त्रिभुज ए बी सी रो चित्र। तो यही तीनोटी रेखाखंड मिसिकी कौन गठन करुच, ए बी सी चित्र गठन करु। तो वर्तमान आम संज्ञा देखा त्रिभुजर संज्ञाटी कौन, देख त्रिभुजर संज्ञाटी कहला तीनोटी बिंदु ए बी ओ सी एक सरल रेखार अवस्थान न करुले तीन टा बिंदु, बुझेगा तीन टा बिंदु कौन कौन, ए गोटे बिंदु ने बी गोटे बिंदु ने सी गोटे बिंदु ने तीन टा कि गोटे सरल रेखार रोच कि सरल रेखार हाएस्ट केतटा रोच दीटा रोच तीनोटी रोना। तो तीनोटी बिंदु ए बी ओ सी एक सरल रेखार अवस्थान करू नथिले ए बी बाहु, बी सी बाहु, सी ए बाहु, यही सेट त्रयर संयोग को त्रिभुज ए बी सी कहा जाए। तो आकु जोड़िले कौन कौन हम, ए बी बाहु पाइबा, बी सी बाहु पाइबा एवं ए सी बाहु पाइबा। तो ए बी बाहु, बी सी बाहु एवं ए सी बाहु को जितेबाला आम संयोग करिबा कौन पाइबा त्रिभुज ए बी सी पाइबा। तो संज्ञा बुझिपार त्रिभुजर कौन कहवा, तीनोटी बिंदु एक सरल रेखार अवस्थान नहले तो एमानंकर बाहु द्वारा गठित त्रिभुज को आमे बा गठित चित्र को आमे कौन कहवा त्रिभुज बोली कहवा। तो ये त्रिभुज को किपरि भाव लेखा जाए ना त्रिभुज ए बी सी यही संकेत द्वारा लेखा जाए था। बुझिपाल ए बी बाहु, बी सी बाहु, सीए प्रत्येक बिंदु मानकर सेट होता हेतु से द्वारा गठित त्रिभुज मध्य बिंदु मानकर सेट। तो त्रिभुज कौन बिंदु मानकर सेट अटे। जदि आम ए बी को लक्ष्य करवा एटी अनेक बिंदु सब रही बिंदु मानक नहीं ए बी बाहु गठित होती टोटाली त्रिभुजटा कौन बिंदु मानकर समाहार अटे। वर्तमान देख त्रिभुज ए बी सी किपर सृष्टि होती ए बी बाहु, बी सी बाहु एवं सीए बाहुर संजोगर सृष्टि कौन त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी ओ सी बिंदु त्रय को त्रिभुज ए बी सी कौणिक बिंदु बा शीर्ष बिंदु बोली कहवा। तो जदि आम गोटे त्रिभुज अंकन करा ए बिंदु, एटा है बी बिंदु, एटा है सी बिंदु, तो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु को आम कि बिंदु बोली कहवा कौणिक बिंदु बोली कहवा बा शीर्ष बिंदु बोली कहवा। ए बी, बी सी ओ सीए को त्रिभुज ए बी सी कौन कहवा बाहु, बाहु बोली कहवा कौणिक बिंदु किए ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु है कौन। जदि खाली कहवा ए बी सी यही तीन टा है कौणिक बिंदु, किंतु ए बी, बी सी एवं ए सी एगुड़िक कौन एगुड़िक त्रिभुजर बाहु बोली कहवा। तापर ठीक से हीपरि भाव आम कोण को केमी लिखा, यहीटा गोटे कोण ना यही कोण को केमी लिखा ए
बी सी कोण जदि आम बि कोण को बुझेबा तो पाखे दुईट बाहू को आमको नाक पड़ो ए बी कोण कौ दुटा बाहू द्वारा सृष्टि ए बी बाहू एवं बी सी बाहू द्वारा सृष्टि तेणुक लिखिले कौन ए बी सी ठीक से हीपरी यही कोणटा कौ दुटा बाहू को लेकिन सृष्टि ए सी आउ बी सी ताकू आम कम लिखा बी सी ए लिखिपर ए सी बी लिखिपर एटा गोटे कोण ए कोण को कमी रिप्रेजेंट करवा बी ए सी बा सी ए बी एहिपरि भावे कोण गुड़ी को सबू लेखा जाए था। तो गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु गुड़ाक जापारे गोटे त्रिभुजर बाहू मान को जापारे गोटे त्रिभुजर कोण केमी लेखा जाए जापारे ना नाई बाहू जापार शीर्ष बिंदु जापार आउ कौन कोण जापार बर्तमान आम देखा सम्मुखीन कोण कौन तो जदि ये त्रिभुज अंकन कराए ये चलू नहीं तो कौन कर देख त्रिभुज एबीसी रे ए कु बी सी रो सम्मुखीन कोण किए बी सी रो फ्रंट रे किए अछि ए कोण बी सी बाहू रो सम्मुखीन कोण किए ए ठीक से भली मत कहला ए सी रो सम्मुखीन कोण किए हबो बी ठीक से भली ए बी रो सम्मुखीन कोण किए हबो सी सम्मुखीन कोण बुझि पाइलो सम्मुखीन कोण को इंग्लीश रे कोन कहंती अपोजिट एंगल बोली मध्य कहंती बुझि पाइलो सम्मुखीन कोण तापरे आसिला अंतर्गत कोण कोण बुझीगला अंतर्गत कोण ए कु बाहू ए बी और ए सी अंतर्गत कोण कहा जाए मुझे तुम पचार ए बाहू आउ ए सी बाहू अंतर्गत कोण किए ए कोण नुए कि मुझे पचार ए बाहू आउ बी सी बाहू अंतर्गत कोण किए बी कोण जदि मुझे पचार ए सी बाहू बी सी बाहू अंतर्गत कोण किए सी बुझना अंतर्गत कोण बुझिपारे अच्छा तापर आम जाना संलग्न कोण कौन मुझे पचारे ए बी सहित संलग्न कोण गुड़ाक कौ गुड़ाक संलग्न मान लगिक रही कोण तो ए बी सहित कौ कोण दुटा लगी ए कोण लगी कोण लगी जदि मु पचारे बी सी संलग्न कोण गुड़िक कौटा बी कोण सी कोण गोटे हलाऊ कहीं एमती हो तो स्थिर हो बसुनु तापर ए सी सहित संलग्न कोण गुड़ाक कौटा ए आउ सी संलग्न कोण बुझीगला अंतर्गत कोण बुझिपाले अच्छा वर्तमान मत कहल ए बी बाहू बी सी बाहू अंतर्गत कोण कौटा बी ए सी बाहू बड़ पार्टी समस्त कह दरकार ए सी बाहू बी सी बाहू अंतर्गत कोण किए सी ए बी बाहू ए सी बाहू अंतर्गत कोण किए ए अच्छा जदि मु तुमको कहबी ए सी सहित संलग्न थिबा कोण किए ए सी सहित संलग्न थिबा कोण किए ए आउ सी बी सी सहित संलग्न थिबा कोण हला बी आउ सी तो अंतर्गत कोण संलग्न कोण जानि पाइलो अच्छा मते एबे को बी सी रो सम्मुखीन कोण किए ए ठीक से परी ए बी रो सम्मुखीन कोण किए सी एवं ए सी रो सम्मुखीन कोण हला ए बी ना ए सी रो सम्मुखीन कोण हला बी ठीक अछि बुझि पाइलो वर्तमान आमे बुझिबा त्रिभुजर अंतर्देश कौन त्रिभुजर बहिर्देश कौन बुझीगला त्रिभुजर अंतर्देश कहले गोटे त्रिभुज आम अंकन करवा त्रिभुजर तीनोटी बाहू मध्य जिते भी बिंदु आम नवा सी हूँ त्रिभुजर कौटी रहा अंतर्देश रहा आउ जदि त्रिभुजर बाहर किसी बिंदु ने आम कौन कह त्रिभुजर बहिर्देश कह आदि त्रिभुज उपर बिंदु किसी नि बिंदु गुड़िक कौन कह त्रिभुजर उपरिस्त बिंदु बोली कह तो जदि आम अंकन करती त्रिभुज जो ए बी सी शीर्ष बिंदु यहाँ त्रिभुजर अंतस्थ ना बहिस्त ना उपरिस्त उपरिस्त बिंदु है बुझीगला त्रिभुजर चार तीन बाहू भितर जो बिंदु रे कौन अंतर्देशीय बिंदी तापर बाहर जो बिंदु गुड़िक रे बहिर्देश जो बिंदु रे उपरिस्त बुझीगला मैंने आम लक्ष्य करी मुझे तुमको पचारे त्रिभुजर अंतर्देश बिंदु किए देख डब्लू बिंदु अच्छी अंतर्देश पी बिंदु अच्छी अंतर्देश हाँ ना ना तो आउ किए अंतर्देश अच्छा आउ कई नहांती उपरिस्त बिंदु किए एम बिंदु उपरिस्त आउ किए ए बिंदु उपरिस्त बी भी उपरिस्त सी भी उपरिस्त अच्छा बहिस्त किए टी एस एटा कौन भि क्यू यू एम आर ये सब हो गला कौन बहिस्त बिंदु बुझीगला त्रिभुजर अंतस्त बिंदु जापारे उपरिस्त बिंदु जापारे बहिस्त बिंदु जापारे तापर
एक त्रिभुज यार अंतर्देश तो मन कर आम गोटे त्रिभुज गठन कले ए बी सी तो गोटे त्रिभुज एवं यार अंतर्देश अंतर्देश कह कौ एरियाटा यहाँ तो भितरटा पूरा तो त्रिभुज यार अंतर्देश को नहीं जो सेटी एटी गठित है यहाँ आम कौन कह त्रिभुजाकृति विशिष्ट क्षेत्र बोली कहवा त्रिभुजाकार क्षेत्र कहटा कि प्रकार क्षेत्र त्रिभुजाकार क्षेत्र ठीक अच्छे त्रिभुजाकार क्षेत्र केमी गठित है ए बी सी त्रिभुज एवं तार अंतस्थ जहाँ तार अंतर्देश रहा ये समस्त को लेकिन त्रिभुजाकार क्षेत्र गठित बर्तमान आम विभिन्न प्रकार त्रिभुज मान विषय जानवा कौ मान देखिक बाहू मान दैर्घ्य सम्बन्धियों बाहू मान दैर्घ्य को लक्ष्य करी आम जानवा केते प्रकार त्रिभुज अच्छी सर्वप्रथमे आम जानवा कौन ना विषम बाहू त्रिभुज कि प्रकार त्रिभुज विषम बाहू त्रिभुज तापर जानवा कौन सम दिबाहु सम दिबाहु त्रिभुज आउ कौन जानवा सम बाहू त्रिभुज समबाहु त्रिभुज तो ये तीन प्रकार त्रिभुज कौन विषम बाहू त्रिभुज कहले कौन बुझा जो त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहूर दैर्घ्य कौन असमान ए बाहूटा धर मनेकर दुई सेंटीमीटर ए बाहूटा मनेकर चार सेंटीमीटर ए बाहूटा तीन सेंटीमीटर तो देख तीन टाक बाहूर दैर्घ्य सामान अच्छी कि ये अलग ये अलग ये अलग जो जगार आमर कौन सी बाहूर दैर्घ्य सामान हुए ना आम कि प्रकार त्रिभुज कहते विषम बाहू त्रिभुज बोली कहते सम दिबाहु त्रिभुज कहले कौन बुझा जदि त्रिभुजर दीटा बाहूर दैर्घ्य सामान है मनेकर यहाँ होगा आम चार सेमी यहाँ भी होगा चार सेमी यहाँ होगा मनेकर केते पांच सेमी तो वर्तमान ए क्षेत्र में आम जो देखा ए दीटा दैर्घ्य सामान ना तो जो त्रिभुज दीटा बाहूर दैर्घ्य सामान थाए आम कि त्रिभुज कहते सम दिबाहु त्रिभुज बोली कहते आउ जो त्रिभुज तीनोटी जाक बाहूर दैर्घ्य सामान थाए मनेकर ये भी तीन सेमी ये भी तीन सेमी एवं ये भी तीन सेमी तो ए प्रकार त्रिभुज को कौन कह समबाहु त्रिभुज बोली कह तो विषम बाहू त्रिभुज कौन जो त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहूर दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है समदिबाहु त्रिभुज कहले कौन बुझा जो त्रिभुजर दुईटी बाहूर दैर्घ्य केवल सामान थाए समदिबाहु त्रिभुज कह समबाहु त्रिभुज क्या कह जो त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहूर दैर्घ्य सामान बर्तमान आम जानवा कोण मानर माप सम्बन्धियों त्रिभुज मानक केत भाग विभक्त कराई जदि कोणर माप हिसाब से देखा तो त्रिभुज को विभक्त कराई तीन भाग रे तो तीन भाग गुड़ाक कौन कौन प्रथम हूँ कौन आमर समकोणी त्रिभुज कि प्रकार त्रिभुज समकोणी त्रिभुज आउ हूँ कौन सूक्ष्मकोणी त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज एवं आउ हूँ कौन स्थूलकोणी त्रिभुज तो ये समकोणी त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज एवं स्थूलकोणी त्रिभुज एगुड़िक कौन टे बुझा तो समकोणी त्रिभुज क्या कह जो त्रिभुजर गोटे कोणर परिमाण कौन 90 डिग्री बर्तमान ये जो ए बी सी त्रिभुज टी आम देखुं ए बी सी त्रिभुज बी कोणटा कौन 90 डिग्री समकोण अच्छी तो यहाँ कि त्रिभुज कह समकोणी त्रिभुज अच्छा पे मोर गोटे प्रश्न है कौन जदि गोटे त्रिभुज रही एतेटा हाएस्ट समकोण रही पार गोटे ही रही पार तो गोटे जोटा समकोणी त्रिभुज तार गोटे कोण ही समकोण हो पार अधिका हो पारना कारण त्रिभुजर तीन टा कोणर समष्टि केते 180 डिग्री जदि दीटा कोण 90-90 होगा तो 180 होगा तृतीय कोण पर आज किसी रही कि रही तेणुक आमर सर्वदा गोटे समकोणी त्रिभुज गोटे ही समकोण रही पार तापर आसला सूक्ष्मकोणी तो ये जो त्रिभुज टी आम देखुं यहाँ हूँ कौन सूक्ष्मकोणी सूक्ष्मकोणी त्रिभुज क्या कह जो त्रिभुजर समस्त कोण गुड़िकर परिमाण कौन हम 90 डिग्री रु कौन हम सान हम 90 डिग्री रु सान हम तो जो कोण गुड़िकर परिमाण कौन हम 90 डिग्री रु यार दैर्घ्य कम हम कम हम ताक आम कौन बोली कह सूक्ष्मकोणी त्रिभुज तार तीन टाक कोण सूक्ष्मकोण हम बुझिपार ना नहीं
ଷାଠିଏ ଷାଠିଏ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତିନିଟାଙ୍କ ବାହୁ କ'ଣ ହେବ, ସମାନ ହେବ। ଏମିତିରେ କେଉଁଟା ଚାଳିଶ ହେଇପାରେ, କେଉଁଟା ପଚାଶ ହେଇପାରେ, ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ାକ କେତେରୁ କମ୍ ହେବ, ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ, ନା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣ କାହାକୁ କହିବା, ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା, କାହା ଭିତରେ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କହିବା, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତେଟା ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିପାରିବ, ଗୋଟିଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତେଟା ସମକୋଣ ରହିପାରିବ, ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଲେ, ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣତ୍ରୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ, ତିନିଟାକ କୋଣ ମିଶାଇଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତିବେଶୀରେ କେତେଟା ସମକୋଣ ରହିପାରିବ, ଟିକେ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କରିସାରିକି ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତିବେଶୀରେ କେତେଟା ସମକୋଣ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ହାଏଷ୍ଟ କେତେଟା ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିବ, ଗୋଟିଏ। ହାଏଷ୍ଟ କେତେଟା ସମକୋଣ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ପଡ଼ିବା, ହଉ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା, ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାହୁମାନଙ୍କ ହିସାବରେ, କେତୋଟି ବାହୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଆମର ଯଦି କୋଣ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତିନିଟାଙ୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ବାହୁ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇଟା ତା'ର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଉଚ୍ଚତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କାଢ଼ିବା, ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେବ, ବହିସ୍ଥ। ତା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ହାଇଟ୍ଟା ହେଲା କେଉଁଟା, ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା, ବାହାରେ। ତ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତାଟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାହାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତାଟା କେଉଁଠି ହୁଏ, ପୁରା ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଉଚ୍ଚତାଟା ସବୁବେଳେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବ, ଏଠି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିଏ ଉଚ୍ଚତା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ହଁ, ସେଇଟାର କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ବାହୁତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ। ହଁ, ଟିକେ ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଦେଇଥିବ ସେଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ, ହଁ ସେଇଠି 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 ସେଇଠି, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କହିଲା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଏହାର ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ବାହୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଦୁଇ ସେମି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା ତିନି ସେମି, ଏ ବାହୁଟା ମନେକର ହେଇଗଲା ଚାରି ସେମି। ସର୍ବଦା ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଶାଇବା, ଏଠି ଦୁଇ ଆଉ ତିନିକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ। ସର୍ବଦା ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁଠାରୁ କ'ଣ ହେବ, ଅଧିକା ହେବ। ଦୁଇଟା ବାହୁକୁ ଆମେ ମିଶାଇଲେ ମାନେ ଇଏ ଦୁଇଟାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟ ବାହୁଠାରୁ କ'ଣ ହେବ, ଅଧିକା ହେବ। ଯଦି କମ୍ ହେଲା, ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଲ। ସର୍ବଦା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତା'ର ତୃତୀୟ ବାହୁଠାରୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ନିଅନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ବି, ଏଇଟା ସି, ଆମେ ଏ ବି ବାହୁକୁ ମିଶାଇଲେ ଏବଂ ଏ ସି ବାହୁକୁ ମିଶାଇଲେ, ତ ଏ ବାହୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ବି ସି ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ, ଅଧିକା ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଯେକୌଣସି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ହୁଏ, ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ହୁଏ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ କହିଲେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ମାନେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସମାନ ହେଇଥିବ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାନ ବାହୁ ଅଛି ତା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କିଏ, ସି କୋଣଟା, ଏଇ ସମାନ ବାହୁର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କେଉଁଟା, ବି କୋଣଟା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ସମାନ ହେବ। ଯଦି ଏଇଟା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ଇଏ ବି କ'ଣ ହେବ, ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏଇଟା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ,
ये भी कौन हम षाठी डिग्री केतबाड़े हम जिते बड़े दीटा यहाँ बाहू कौन हम सामान हम तो दीटा बाहू सामान से मानकर सम्मुखीन कोण दीटा दैर्घ्य कौन है सामान है जापार कथाटी सिद्धांत चार तारि ओल्टा कथाटी कहला कौन कहला ना जदि आमर गोटे त्रिभुजर ठीक अच्छे दीटा कोणर परिमाण सामान बुझेगा सिद्धांत चार कौन कौन गोटे त्रिभुजर दीटा कोणर परिमाण जदि कौन हुए सामान हुए तेबे एरार बाहू दीटा सामान हम कौ सम्मुखीन बाहू तो आम जान लें बी रुखीन बाहू किए ए सी सी कोणर सम्मुखीन बाहू किए ए बी तो ये दुईटा दैर्घ्य सामान हम तो सिद्धांत चार सिद्धांत तीन विपरीत सिद्धांत तीन आम कौन जाने जदि बाहू दुईटार दैर्घ्य सामान हुए तेरे तार सम्मुखीन कोण गुड़िकर परिमाण कौन हम सामान हम एटी आम सिद्धांत चार जान लें कौन जदि कोण दुईटार परिमाण सामान हुए तो बाहू दुईटार दैर्घ्य सामान हम बुझीगला सिद्धांत पाँच देख कौन सी त्रिभुजर एक शीर्ष बिंदु गोटे बहिस्त कोणर परिमाण यार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वर परिमाण समष्टि संगे समान अच्छा त्रिभुजर बहिस्त कोण कहले आम कौन बुझा तो यहाँ मन कर ए बी सी एटा है डी बुझी बुझेना ना तो यहाँ त्रिभुजर गोटे की कोण एगुड़ा सब अंतस्थ कोण ना ना तो यही कोणटा कौन बहिस्त कोण यहाँ त्रिभुजर बहिस्त कोण एटी भी आम चाहिए त्रिभुजर बहिस्त कोण अंकन करा गोटे बहिस्त कोण एटी भी चाहिए आम त्रिभुजर बहिस्त कोण अंकन करा गोटे बहिस्त कोण बुझी बुझे ना ना अच्छा सीट कहला यही बहिस्त कोणर परिमाणटा केते हम सेटा डिपेंड करे यार अंतस्थ दूरवर्ती कोण तो यही जो त्रिभुजर एटा बहिस्त कोण है यार अंतस्थ कोण तीन टा एटा गोटे एटा गोटे ना नहीं से कितु कहला अंतस्थ दूरवर्ती कोण दूरवर्ती कोण कौटा एटा आईटा एटा पाखे थी कोण बुझी बुझेना ना तो यही कोणटार परिमाण केमी बाहर करी मुझे मन कर लिखिली एटा हो चालीस डिग्री बुझीगला यहीटा है पचास डिग्री बुझीगला एटा पचास नुह एटा कर दियो एटा है मन कर सतुरी डिग्री चालीस सतुरी एटा के षाठी डिग्री बुझी बुझेना ना मुझे पचारि यही कोणटार परिमाण केमें के कह अंतस्थ दूरवर्ती कोण दुईटा किए किए अंतस्थ दूर कोण एटा आटा बुझीगला सतुरी चालीस की मिसाओ के शह सतुरी होते सात चार बार शहे कोड़े सात आठ नौ दस एगार शहे दस हेल्लेटा हो सतुरी डिग्री ठीक अच्छे तो जदि सतुरी डिग्री आम नवा तो बर्तमान मत कर यो दुईटा रहा यटार समि के शहे दस तो ये बहिस्त कोणर परिमाण के बुझेगा अच्छा यही बहिस्त कोणर परिमाण के अंतस्थ दूरवर्ती कोण किए चालीसटा को छाड़ीदे ये दीटा को मिसेबा सतुरी सतुरी के शहे चालीस यही कोणर परिमाण के सतुरी डिग्री छाड़दे चालीस सतुरी के शहे दस डिग्री तो ये कौन कहला कौन सी त्रिभुजर एक शीर्ष बिंदु गोटे बहिस्त कोणर परिमाण क्या सहित सामान हम अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वर परिमाण समष्टि संगे सामान हम बर्तमान आम केवल जान लें कौन यही विषय मेन पॉइंट गुड़िक जान लें कालीर क्लास रे आमे अनुशीलन की जीवा एवं किसी उदाहरण समाधान करवा तो ये भल भाव तुम पढ़ी आसो काली मु पचारी हला।